हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स। आज और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है, क्या आपका एक बार मिसकैरेज हुआ है तो आपका मन में हमेशा डर बैठा रहता है, मेरा एक बार मिसकैरेज हुआ है क्या दोबारा मिसकैरेज हो सकता है, या दो बार मिसकैरेज हुआ है क्या थर्ड टाइम भी मिसकैरेज हो सकता है। तो चलिए आज ये टॉपिक पर बात करते हैं। पहले तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, या फिर होगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, फर्स्ट टाइम मिसकैरेज होना ये एक नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10 से लेकर 20% महिलाओं का फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो सेकेंड भी मिसकैरेज होगा। हाँ, थोड़ा बहुत चांसेस रहता है सेकेंड मिसकैरेज होने का। अगर आपका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो सेकेंड प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो उसका चांस 20% रहता है, क्योंकि अगर हर महिला का 10 से 20% रहता है फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने का, तो अगर किसी का मिसकैरेज होता है सेकंड प्रेगनेंसी के लिए 20% ही रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने वाले बात नहीं है। अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुआ है, सेकंड भी हुआ है, देन थर्ड को थोड़ा परसेंट बढ़ जाता है, जैसे 30 के आसपास ही रहता है मिसकैरेज होने के लिए। अगर आप नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं, आपका कुछ इश्यूज नहीं है, शादी को ज़्यादा साल भी नहीं हुआ, तो आपके लिए एक प्रेगनेंसी मिसकैरेज होना एक बड़ा बात नहीं होता है। अगर आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन है, या फिर नॉर्मली कंसीव नहीं हुआ है, मेडिसिन से हुआ है, इंजेक्शन से हुआ है, या फिर IUI से हुआ है, देन आपका मिसकैरेज हो रहा है, तो आपको आपका गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाना चाहिए ज़रूर। क्योंकि अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उससे पहले बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, किस लिए मिसकैरेज हुआ है ये डिटेक्ट करना ज़रूरी रहता है। अदरवाइज़ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं मिसकैरेज क्यों होता है। देखिए, ये जो मिसकैरेज होता है इसका बहुत सारा रीजंस है, बट 70% जो मिसकैरेज होता है ये जेनेटिक इशू के वजह से होता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के वजह से होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है माँ बाप का कोई भी क्रोमोसोमल इशूज नहीं रहता है, फिर भी जो बेबी बनता है उसमें क्रोमोसोमल एरर थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसके वजह से वो मिसकैरेज हो जाता है, प्रकृति उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है। अगर आपका यूट्रस में फाइब्रॉइड है, उसके वजह से मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, या फिर आपका जो आपका थायराइड हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, घट जाता है, इसके वजह से भी मिसकैरेज होता है। और एक रहता है बाइकोनस यूटरस या सिप्टाट यूटरस, इसके वजह से भी मिसकैरेज होता है। बहुत सारा कजेस है मिसकैरेज होने का, लेकिन ज़्यादातर क्रोमोसोमल डिफेक्ट के वजह से मिसकैरेज होता है। इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बार मिसकैरेज हुआ है तो कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम आपका ज़रूर प्रेगनेंसी होगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक बार मिसकैरेज हुआ है तो रिपीटेड मिसकैरेज होता जाएगा। तो ऐसा जो होता है 100% में 1% महिलाओं में ये पाया जाता है कि रिकरेंट मिसकैरेज होते जाता है, एक के बाद एक मिसकैरेज होते जाता है। अगर आपका रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, देन एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, जो भी टेस्ट नेसेसरी है उसको कीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, अपना ख्याल ज़रूर रखिए।